तो एक कर लेते हैं जो बी एच यू ट्वेंटी जो पेपर हुआ था उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसके रिलेटेड और अब डेली जितने भी पेपर रह गए हैं प्रीवियसली डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के उनके भी डेली एक एक पार्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है सो स्टार्ट कर देते आज का बी एच यू ट्वेंटी का लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जियोमोर्फोलोजीपन स्टार्ट होता है ठीक है यह है आपका पी एच यू ट्वेंटी सेवनटीन का क्वेश्चन नंबर वन जहां पूछा है कि सॉइल फॉर्मेशन विच कंटेन्स सिग्निफिकेंट वॉटर इन पोर्स बट नॉट एबल टू हिल्ड सिग्निफिकेंटली तो आपके पास सॉइल है सॉइल के पोर्स के अंदर वॉटर आ तो पा रहा है बट पे पूछा है कि सिग्निफिकेंटली सफिशियंट अमाउंट में बिल्कुल ये मतलब यहां से इल्ड या फिर नीचे जा नहीं पा रहा है ठीक है तो उस कंडीशन में ये क्या हो सकता है या फिर ये कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है क्ले सिल्ट सैंड या ग्रेवल सत्या ऑब्वियसली इट्स अ क्ले तब आपने देखा था जब हम हाइड्रोजियोलॉजी देख रहे थे और हाइड्रोजियोलॉजी के अंदर हमने देखा थे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्योंकि यहां पे भी बोला है अगर आपको याद हो दर द काइंड ऑफ योर फॉर्मेशन फॉर्मेशन किसी भी तरह के रह सकता है तो जब हमने जियोलॉजिकल फॉर्मेशन देखे थे तो उन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अंदर हमने कुछ चार मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन देखे थे जैसे कि पहला एक्विफर हमने नॉर्मली बोला था अगर कोई भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कोई भी मतलब इट मे बी योर ग्रेवल फॉर्मेशन हो सकता है सॉइल फॉर्मेशन हो सकता है ठीक है क्ले फॉर्मेशन हो सकता है लिखी एक्विफर जैसा रहता है बिल्कुल तो अगर ये एक्वीफर तब बोलते हैं हम जब इट इज इट इज पोरस एंड ये कंडीशन थी बेस्ट एग्जांपल भी बताया था और अभी जो अगर देखे तो आपको ये एग्जांपल ही बिल्कुल पूछ रहे हैं इसका बेस्ट एग्जांपल था आपका के बाद जो सेकंड हमने देखा था विच इज और मीन वॉटर एंड क्लूड इज यूर इंक्लूड यहां पर हम बोल सकते हैं कि इट मे बी यूर पोरस बट अब यहां पे है नॉट परमिएल पोरस है बट परमिएबल नहीं है अगर ऐसी सिचुएशंस अगर है तो बिल्कुल वहां पे आपका क्ले या फिर शेल शेल मींस ऑब्वियसली क्ले मटेरियल से बना हुआ जो भी फॉर्मेशन आपका वो थर्ड नंबर पे हमने देखा था एक्विटार्ड इट रिटार्ड दॉटर एक्वा स्लोली मतलब के ये पोरस तो है जो भी फॉर्मेशन होगा बट लेस बल ठीक है और बेस्ट एग्जाम्पल हमने जो इसका देखा था वो था आपका लीकी एक्विफर और अगर एरिया अगर लीकी एक्विफर वाला अगर ना हो तो वो तो कंकर वाला एरिया ठीक है डिपेंड एरिया कौन सा है लास्ट हमने देखा था एक्विफ्यूज इट्स फ्यूज्ड मतलब कि ना तो ये पोरस है ना तो ये परमिएबल है सिंपल सा है ग्रेनाइट ठीक है यहां भी स्टेटमेंट में आपको पूछा कि एक ऐसा फॉर्मेशन सिग्निफिकेंट इन पोर मतलब ये पोरस तो है ठीक मतलब तो मतलब है, तो सी है, है सीधी सी बात है सिर्फ क्ले रीजन नेचर और इसी अधिक नेचर की वजह से जो चिटका होता है पार्टिकल्स का क्ले का तो इसी वजह से या फिर वाटर के सरफेस टेंशन की वजह से बिल्कुल इस वजह से यही आपका जो है अच्छे से पर्च एक्वीफर का लेंस क्रिएट कर देता है ठीक है अगर बात करें सील्ड या फिर सैंड या फिर ग्रेवल तो डिपेंड ऑब्वियसली इसके साइज के अकॉर्डिंग ये कहीं पे भी अधी नेचर नहीं दिखाते ओके, ऑप्शन तो वन इज करेक्ट देखते नेक्स्ट वन धीरे धीरे बी एच यून एन नाइन हर एक दिन सभी सभी कवर कर देंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर एक्विफर सिस्टम लाइज इन इंडिया इज तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना मेजर बोला है एक्विफर सिस्टम अगर देखो तो हाँ एक ये पार्ट है जो हाइड्रोजियोलॉजी के अंदर हमारा नहीं हुआ था और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है ऑब्वियसली जो हाइड्रोजियोलॉजी के और या फिर हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के जो नहीं हुए थे कि okay, आप में से मैक्सिमम लोगों को डायरेक्टली आंसर भी पता होगा अगर पता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा कर देता हूं ठीक है तो पूछा है कि मेजर एक्वीफर सिस्टम लाइज इन इंडिया इज तो क्या ये आपका लाइमस्टोन है जो कार्व करतेम सिस्टम के अंदर फ्रैक्चर ग्रेनाइट के अंदर मोस्ट ऑफ द एक्वीफर है या फिर वेसिकुलर बेसाल्ट के अंदर है ठीक है सो so, किस तरह के है पहले तो ये देखेंगे तो देखिए समझ लीजिए कि हमारे पास एक्वीफर सिस्टम मतलब अगर इंडिया क्योंकि यहाँ पे स्पेशली अगर इंडिया बोला है अगर आपको आंसर पता हो तो ऑब्वियसली आप वन टू थ्री या फिर फोर आंसर लाइव में बता सकते हो तो ऐसा समझिए कि इंडिया को हाइड्रोजियोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली एल्यूम इज अ करेक्ट आंसर लेकिन यहाँ पे जो मेजर बोला है तो नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ जैसे कि मान लो कि ट्वेंटी सेवेंटी के अंदर आपको मेजर पूछा है तो हो सकता है कि आपको लिस्ट भी पूछ सकते हैं सबसे कम भी पूछ सकते हैं तो टू इज अ करेक्ट आंसर अब जिन्हें नहीं पता तो ये पूरा का पूरा थोड़ा सा एक शॉर्ट में टॉपिक देख लेते हैं कि मेजर एक्विफर या फिर एक्वीफर सिस्टम इन इंडिया ठीक है तो देखो एक्विफर सिस्टम जो है एक्विफर क्या है आपका स्टोरेज एक तरीके का ग्राउंड वाटर का जमीन के अंदर जहां पे आपका सभी का सभी ग्राउंड वाटर जो इकट्ठा हुआ है वहां से ऑब्वियसली ये ट्रांसमिट भी होता है जिसको आप बोलते हो भी भी है है इसका रिचार्ज भी होता है, सब चीजें है अब पूरे इंडिया के अंदर क्योंकि स्ट्राटा डिफरेंट डिफरेंट है आपके एरिया के रॉक या फिर कंप्लीटली स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डिफरेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया इसको फोर्टीन प्रिंसिपल जो है कहीं ना कहीं हमने चौदह तरीके के प्रिंसिपल एक्विफर सिस्टम के अंदर डिवाइड किए और इन्हीं फोर्टीन सिस्टम को आगे जाके हमने क्या किया फोर्टी टू मेजर सिस्टम इन्हीं को एक्विफर सिस्टम के अंदर डिवाइड किया अब यहां पे पूछा है कि इनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में वर्ड बोला है कि मेजरली सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से एक्विफर सिस्टम के अंदर इंडिया का एरिया आता है तो वो है एलुवियम ठीक है तो एक तरह से आपको कंपेरेटिवली सीक्वेंस भी पता रहना चाहिए मान लो कि अभी के लिए आपको सभी को पता है कि एलुवियम दिखा भी देता हूं मैं लेकिन अगर पूछते हैं कि सेकेंड नंबर पर सेकेंड मोस्ट नंबर पर क्योंकि आपको रिलेटिवली पूछना ये पहली बार नहीं हो रहा है एंट्रेंसेस के अंदर फिर आपके एलिमेंट्स हो, हो या फिर आपके ऑक्साइड्स हो या फिर मिनरल्स हो हार्डनेस हो कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर मान लीजिए पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में एक्विफर सिस्टम कहीं ना कहीं है प्रेजेंट वो है एलुवियम्स के अंदर लेकिन अगर एल्युवियम जान के अगर ऑप्शन नहीं देते हैं तो फिर क्या तो देखिए नंबर दो पे अगर आपके पास कुछ है तो वो है बेसाल्टिक सिस्टम के अंदर ठीक है देखो एल्युवियम बेसॉल्ट ये जो है ये प्रिंसिपल एक्विफर सिस्टम है देखो प्रिंसिपल अलग है मेजर अलग है और यही एल्यूमिनियम या फिर ये वर्ड जो है ये मेजर के अंदर भी आता है इसके डिविजन होते हैं जैसे मैंने कहा एल्युवियम एलिवियम इज अर योर प्रिंसिपल हमारे पासिपल एक्विफर सिस्टम इसी एलिवियम सिस्टम को हमने आगे जाके डिवाइड किया है इन सेवन मेजर तो ऑब्वियसली डिटेल में बहुत ज्यादा कौन से, से ये नहीं देखेंगे लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं सेवन मेजर एक्विफर सिस्टम के अंदर उसी तरह से बेसॉल्ट को हमने दो तरीके के डिफरेंट डिफरेंट मेजर एक्वीवर सिस्टम के अंदर डिवाइड किया है अब ये तो हुआ एलिवियम के बाद बेसॉल्ट अगर मान लीजिए कि वो एरिया पर्टिकुलर बेसॉल्टिक नहीं है डेक्कन ट्रैप वाला नहीं है कौन सा भी नहीं और जस्ट स्टेटमेंट के अंदर आपको पर्टिकुलर एरिया का मान लीजिए सदन ग्रेनुलेटरिंग का जिक्र किया है या फिर साउथ इंडिया का या फिर पर्टिकुलर किसी स्टेट का साउथ इंडिया से अगर जिक्र करते तो, तो देखिए आपके पास फिर बैंडेड नीसिक कॉम्प्लेक्स भी है

पूरे होल इंडिया का अगर पूछे तो ऑब्वियसली वो, वो नंबर वन पे था मेजरली वो था एलिवियम इसी तरह से उसके बाद बहुत सारे जैसे कि सैंडस्टोन शेल अब ये कंपेरिटिवली किस तरह से चीजें आती है इसको मैं थोड़ा सा आपको इमेज से बता देता हूं तो मैं थोड़ा सा इमेज ले लू आपके लिए और ये सभी इमेज या फिर इनकी जो पीडीएफ वगैरह है वो ड्राइव पे अवेलेबल है तो आप ड्राइव पे जाइए ये जो है स्ट्रीम खत्म होने के बाद वहां पे क्लास नोट्स के अंदर जाइए या फिर इमेजेस के अंदर जाइए और उन्हीं इमेजेस के अंदर आपको ये सभी चीजें जो है वो मिल जाएंगी

प्रिंसिपल एक्विफर सिस्टम पूरी इंडिया के अंदर उनको मिली या फिर इन्होंने क्रिएट की अब यहां पे अगर लेजेंड्स देखे नीचे तो देखिए यहां पे आपको पास एल्युवियम जो येलो कलर से इंडिकेट होता भी है मोस्ट ऑफ द टाइम और इन्होंने अच्छे से किया भी है तो आपके पास कितने तरीके के एक्विफर सिस्टम या फिर एक्विफर के टाइप या फिर एक्विफर फॉर्मेशन इंडिया के अंदर मिलेंगे एलुवियम तरीके के क्यों एलुवियम के अंदर आपको एल्युवियम एक्विफर uh, मिलेगा लेट्राइट्स के अंदर बेसॉल्ट सैंडस्टोन शेल लाइमस्टोन ग्रेनाइट शिस्ट

पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इन पूरे इंडिया के अंदर आपको ये थोड़ा सा कुछ गुजरात वाला एरिया मोस्टली आपको राजस्थान वाला एरिया कुछ पंजाब वाला बिल्कुल एरिया न्यू दिल्ली उत्तर प्रदेश वाला एरिया बिल्कुल ठीक है यहां पे बिहार वाला एरिया वगैरह वाला एरिया अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो परसेंटेज के अंदर जितना एरियल एक्सटेंट की जब हम बात करते हैं एरियल एक्सटेंट वाइड सबसे ज्यादा एरिया किसी पर्टिकुलर अगर इसने कवर किया हो एक्विवर टाइप में तो वो कौन सा है तो दैट येलो कलर इज इंडिकेटेड बाय योर एलुवियम लाइक दैट बाकी के भी है और ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर ये तो मेजरली है माइनरली अगर बात करूं तो देखिए यहां पे महाराष्ट्र के नजदीक या फिर एमपी महाराष्ट्र के बॉर्डर के अंदर भी आपको देखो एलुवियम एक्विफर देखने को मिलता है लेकिन पूरा नहीं है कुछ अमाउंट में बाकी ये जो कलर है दिस इज योर बेसॉल्टिक तो हाँ हमारे हा, पास बेसॉल्ट वाला भी है ठीक है जैसे तो जैसे कि हमने हमने कहा नंबर पे जब तो 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 ठीक है इसके अलावा भी जैसे तो आर अगर अगर मैं ये ऑरेंज कलर देख रहे हो तो कलर तो एक का एक का सीक्वेंस या फिर पूरे इंडिया के अंदर हमने को कर दिया अब ये तो हो गए 14, प्रिंसिपल एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह तो नियरली हम क्या करते हैं करते हैं और इन्हीं इन्हीं को 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 मतलब कि जैसे कि जैसे वाला है तो वाले एरिया को study जब किया तब हमको इनके भी sub -systems मिले और sub -systems को हमने नाम दे दिया मेजर सिस्टम्स ठीक है जैसे कि एल्युबियम के अंदर हमको सेवन डिफरेंट डिफरेंट मेजर सिस्टम्स भी देखने को मिलते हैं पूरी इंडिया की अगर बात करें जो क्वेश्चन यहां पे था ठीक है मेजर एक्विफर सिस्टम लाइज इन इंडिया तो मेजर का मतलब है यहाँ पे ऑब्वियसली एरियल एक्सटेंट वाइज सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा टाइप अगर आता है तो वो एलुवियम ही था अब अगर बात करें लिस्ट वाइज कि कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको मेजर तो पूछा है हो सकता है आपको सेकंड मेजर पूछे हो सकता है आपको लिस्ट पूछे और हो सकता है आपको पूछे कि इनमें से सबसे ज्यादा कम अमाउंट में कौन से एरिया के अंदर इंडिया के अंदर जो है वो एक्विवर सिस्टम आती है तो देखिए यहां पे मैं आपके लिए एक चार्ट बता देता हूं चार्ट आप बाद में देख लेना ठीक है आ, ये ड्राइव के ऊपर पहले ही मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है तो स्ट्रीम खत्म होने के बाद ड्राइव से कलेक्ट कर लेना बिल्कुल चार्ट ठीक है और एक जो सी जी डब्ल्यू बी का एक ट्वेंटी ट्वेल्व का उनका एक रिपोर्ट था उस रिपोर्ट को भी मैंने अपलोड कर दिया जो एक, -एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट कंटेंट है तो अगर देखें तो दीज आर योर प्रिंसिपल एक्वेवर सिस्टम और ये प्रिंसिपल के बाद दीज आर ऑल योर मेजर एक्वेवर सिस्टम ठीक है कोड वोड इतना कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं ये एरियल एक्सटेंट मतलब कि ये जो परसेंटेज है अब होगा क्या देखो एक और बात बता देता हूं. Content है जियोलॉजी में पहले बार ऐसा नहीं हो रहा के अंदर मैंने पहले भी कहा है कि ऑथर टू पैरामीटर्स है ना ये चेंज होते हैं जैसे कि कोई बोलता है अगर बोलो क्या क्रस्ट की थिकनेस क्या है तो कोई बोलता है थर्टी किलोमीटर कोई बोलता है थर्टी फाइव किलोमीटर अगर सोर्स पूछे तो कोई बताएगा नहीं बस ये बताएगा इस बुक के अंदर है देखो सभी ने सिस्मिक सर्वे से ही थिकनेस वगैरह ये सब चीजें बिल्कुल हमने काउंट की या फिर डिफरेंट डिफरेंट जियोफिजिकल फिजिकल या फिर सब सर्फेस मेथड से काउंट किए ही कुछ यहाँ पे भी है अब होता क्या है ना ये जो रिपोर्ट्स या फिर जो इमेजेस हम देखते हैं ये हर साल कहीं ना कहीं चेंज होती है हर साल या फिर हर दो तीन सालों में या फिर हर पांच सालों में तो ट्राई कीजिए कि रिसेंट रिपोर्ट पढ़ने का हो सकता है अगर जैसे कि मैंने रेफरेंस दिया आपको मैंने 2012 का स्टैंडर्ड रेफरेंस का स्टैंडर्ड री आज 2021 शुरू है बिल्कुल तो ऐसे कंडीशन में इस तरह की, की चीजें अच्छा नहीं आपने तो बताया था एल्यूमिनियम जो इंडिया के अंदर सबसे मेजर एक्विफर सिस्टम है तो कितना परसेंट मेजरली है 29.82 और हो सकता है आप कोई कंटेंट देखो और उसके अंदर आपको 31 वन देखो मैं फिर से बताऊँ इट्स एक्विफर

15.09% तो ये जो सीक्वेंस है ये जो जो 14 14 और main 14 को हमने क्या किया 42 major के अंदर बिल्कुल है है वो sub -divide कर दिया ठीक है? एक ट्रस्टेड सोर्स से लिया हुआ है तो आप भी हमेशा से ही लेना सिर्फ जो एक सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को हमेशा याद रखना जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली यू नो द आंसर के और ये ऐसा पहली बार नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा गया अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करते हो तो इसी क्वेश्चन को मल्टीपल बार पूछा भी गया है तो हां मेजर पूछा है इंडिया के अंदर और याद रखना मेजर के अंदर अगर मान लो कि एल्वियम ही वर्ड ना हो तो अब अब क्या आंसर आ गया हो सकता है कि इसके जगह पे नीस हो इसके जगह पे शिस्त हो इसके जगह पे शेल हो और ऑप्शन के अंदर ये ना ही हो जानबूझ के ऑब्वियसली ऐसे कंडीशन में क्या आएगा आंसर करेक्ट इट्स फोर वेसिकुलर बेसाल और मैंने बेसाल के बारे में भी कह दिया है बेसाड़ एक नहीं है बेसल क्या है basalt एक एक तरीके का प्रिंसिपल सिस्टम है जिसको हमने आगे जाके और डिवाइड किया है दो के अंदर हर एक प्रिंसिपल को हमने मेजर के अंदर डिवाइड किया अलग अलग तरीके से जैसे कि मैंने कहा कि एल्यूमियम को हमने सेवन डिफरेंट डिफरेंट मेजर के अंदर डिवाइड किया है लाइम की अगर मैं बात करूँ तो लाइम को हमने एक्चुअली फाइव पांच मेजर डिविजन के अंदर किया है ग्रेनाइट की अगर मैं बात करूं तो ग्रेनाइट को हमने एक्चुअली दो के अंदर डिवाइड किया है ये सब चीजें और एक एक बार भी अगर आप देख लो तो भी लर्न हो जाएगी तो डिपेंड रहता है कि पूछा क्या है मेजर भी पूछा इट्स ओके स्टेटमेंट और देखो एंट्रेंस है कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता कि अच्छा नहीं वहां पर एल्युमिनियम दिया ही नहीं है तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है अगर एल्युमियम ने दिया है तो ऑब्वियसली सेकंड मेजर बताओ सेकंड नहीं पता तो थर्ड बताओ थर्ड नहीं पता तो फोर्थ बताओ कंपेरेटिवली पहली बार नहीं हुआ कि एंट्रेंस के अंदर कंपेरिजन पूछ रहे हैं कंपेरिजन मिनरल का हो या फिर किसी का हो हर खा आपको बिल्कुल पूछेंगे ही पूछेंगे तो याद रखना एक सीक्वेंस में आपको बता देता हूं सीक्वेंस से याद रखना ठीक है लिस्ट जो है वो भी आपको मिल जाएगा सबसे पहले एलुवियम ठीक है कितना है नियरली देखो परसेंटेज और स्टैट्स जो है वो वैल्यू होते ही रहेंगे बिल्कुल तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जो रिसेंट कोई भी आर्टिकल है तो उसको फॉलो करना ओल्ड को फॉलो मत करना ठीक है तो नियरली टेंटी नाइन हो सकता है हमने देखा है ट्वेंटी जीरो वगैरह था तो पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मेजरली जो एक्र सिस्टम आ रही है ट्वेंटी नाइन परसेंट जो एरिया कवर किया है उसने क्योंकि इट्स एन एरिया एक्सटेंशन आपने अगर देखा होगा तो किलोमीटर स्क्वेयर के अंदर वहां पर एरिया दिया था तो सबसे ज्यादा अगर, तो अगर कुछ है तो वो एल्यूमियम है दो नंबर पर अगर कुछ है कोई एक्वीपर सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर वो है बेसाल्टिक बेसॉल्ट के आगे ज्यादातर नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है आप बेसॉल्ट का भी हमने दो के अंदर डिवाइड किया गया बेसॉल्ट कितना करता है तो नियरली एक्चुअली समथिंग परसेंट बिल्कुल जो है वो एरिया कवर करता है बेसॉल्ट के अलावा मान लो और हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे भी अगर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए चार पांच मैंने एक्विफर सिस्टम यहाँ पे ले लिया और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जस्ट अरेंज द अरेन्दीफर सिस्टम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एरियल एक्सटेंशन या फिर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कवर्ड बाय द एरिया ऑफ इंडियन एरिया ठीक है तो उसी तरह से बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन है फिर उससे कम कौन से हैं उससे कम देखो पूछने के लिए किसी भी तरह से पूछ सकते हैं आपको रेडी रहना चाहिए ये इस तरह के ऑब्जेक्शन कोई नहीं ले सकता कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले नहीं पूछे तो आगे भी नहीं पूछ सकते हैं कंटेंट तो है टॉपिक तो है आपका है ठीक है बेसल के बाद बैंडेड नीसिक कॉम्प्लेक्स ठीक है नियरली आई थिंक फिफ्टीन परसेंट के नजदीक एरिया जो है वो कवर किया है आपको पता है कौन सा एरिया मैंने दिखाया अंदर था सदन एरिया के अंदर लेकिन छोटे-छोटे जो पार्ट्स जो, है, वो के अंदर जो है, वो है और नियरली अगर आपने देखा तो एट पॉइंट टू वन परसेंट जो एरिया जो है एक्विवर सिस्टम का इंडिया का कवर करता है इसके बाद अगर मैं बात करूं सैंडस्टोन के बाद तो वो है हमारा शेल जो कि

अगर पूछते हैं कि शिस्ट एक्वीफर सिस्टम इंडिया के अंदर कितना एरिया कवर करता है तो जस्ट फोर तो पॉइंट फोर फोर परसेंटेज में ना तो इससे पहले पूछा है ना कहीं हम सिर्फ ये लिस्ट इसलिए तैयार कर रहे हैं या फिर टेबल तो जस्ट एक पैटर्न जो हमारे पास रहे रेडी ठीक in है आफ्टर द द वी हैव ग्रेनेट एक्वीफर सिस्टम इन इंडिया जो कि है थ्री पॉइंट वन फाइव परसेंट एरिया कवर करता है पूरे इंडिया का उसके बाद अगर मैं बात करूं आफ्टर द द्रेनेट देन वी हैव द चारनोकाइट चारनोकाइट जो है वो हमारे इंडिया एक्वीपर इंडिया के अंदर जो भी एक्वीपर सिस्टम है उसका 2.41 परसेंट जो एरिया है वो कवर करता है देन नंबर पे आता है लाइमस्टोन और हो सकता है अगर कोई कम ज्यादा होगा परसेंटेज मतलब अगर मैं जो सीक्वेंस एक तरह से बता रहा हूं वो अगर कोई रॉन्ग हो तो ऑब्वियसली वहां पर उसको करेक्ट करके लाइव में बता दीजिए ठीक है सो so लाइम जो कि इंडिया का वन या फिर आई थिंक नाइन एरिया जो है एक्विवर सिस्टम का कवर करता है देन उसके बाद पॉडसाइड वन पॉइंट फोर एट परसेंट उससे कम लैटेराइट कितना करेगा वन पॉइंट टू नाइन टू नाइन टू पॉइंट नियर अबाउट वैल्यू ठीक है देन होंडा लाइट कितना 1.0 परसेंट या फिर 1.04 परसेंट एंड लास्ट वाला अगर मैं बताऊं तो ये है हमारा इंट्रोज्यू ठीक है अब इंटरव्यू के अंदर 0.63 परसेंट के साथ जो है वो एक्विफर सिस्टम इंडिया के अंदर अवेलेबल है ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है ऐसी कोई भी बात नहीं ठीक है और इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इंटरव्यू को भी हम एक्चुअली अब इंटरव्यू के अंदर क्या आएंगे डाइक आएंगे कौन कौन सी डाइक देखो बेसिक की बात करेंगे तो डोलेराइट की डाइक है देखने तो को मिल जाती है

डिवाइड और सब डिवाइड दैट प्रिंसिपल एक्विफर सिस्टम इन मेजर एक्विफर सिस्टम जैसे कि टाइम के साथ हमने क्या किया कि एलिवियम सिस्टम को एलिवियम सिस्टम को सात मेजर सिस्टम्स के अंदर डिवाइड किया बेसॉल्ट को हमने दो के अंदर बैंडेड निशिक कॉम्प्लेक्स को हमने एक के अंदर ही क्लासिफाई किया है अब ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली लेकिन अगर हायर एजुकेशन के या फिर कहीं भी, भी जान घुमा पके और जान अगर पूछना ही हो है, तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली पूछ सकते हैं लिस्टिंग मैंने बता दी है तो आप वहां से लिस्ट एक बार सिर्फ चेक कर लेना सिर्फ एक बार पढ़ लेना तो आपको एक आइडिया आ जाएगी सैंडस्टोन की अगर मैं बात करूं तो सैंडस्टोन को हमने छह तरह के मेजर जो है एक्विवर सिस्टम के अंदर डिवाइड किया है आगे जाके शेल को भी हमने सिक्स के अंदर नीस को हमने थ्री तरीके के टाइप के अंदर बिल्कुल जो है डिवाइड किया है को भी हमने थ्री तरीके के एक्विपर सिस्टम के अंदर हमने डिवाइड किया है ग्रेनाइट को भी हमने दो तरीके के सिस्टम के अंदर डिवाइड किया है चार्नोकाइट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक तरीके के सिस्टम के अंदर डिवाइड किया गया है लाइमस्टोन की बात करू तो ऑब्वियसली इट्स अ मेजरली एरिया क्योंकि बहुत सारा एरिया है जो लाइम से कवर किया गया है ठीक है तो यहाँ पे फाइव डिफरेंट मेजर एक्विफर सिस्टम के अंदर लाइमस्टो जो प्रिंसिपल मेजर एक्विफर सिस्टम है उसको हमने डिवाइड किया क्वाटजर्ड वाले एरिया की अगर मैं बात करू तो क्वाटजर्ड वाला एरिया को हमने और आगे जाके दो मेजर सिस्टम के अंदर हमने डिवाइड किया Laterite के बात एक होंडा लेट के अंदर एक और लास्टली इंटरव्यू के अंदर हमने दोन ऐसे ये बन जाते हैं फोर्टी टू याद रखना दिज आर योर प्रिंसिपल एंड दिज आर योर मेजर्स बिल्कुल ये है आपकी एक्विफर सिस्टम ऑफ इंडिया मैंने इमेजेस भी दिखा दी पैरामीटर्स भी दिखा दिए दोनों की इमेजेस आपको ड्राइव पे मिल जाएंगे ओके okay, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन

ऑब्वियसली तो यहां पे दोनों के दोनों चीजें मतलब कि वाटर टेबल कंटूर और ट्रेसर स्टडी दोनों का हेल्प लिया जाता है तब जाके जो है आप किसी एक्विफर के अंदर की ग्राउंड मूवमेंट को असिस्ट मतलब के एस्टिमेट कर पाते हो यहां पे ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है देखते नेक्स्ट वन Transmissivity is higher तो देखो हमने हमने इससे पहले भी देखे जब हाइड्रोजियोलॉजी के कुछ parameters हम देख रहे थे वहाँ पे इंडिकेट भी किया था अगर आपको याद हो इसका फॉर्मुला भी देखा था नॉर्मली हम इंडिकेट करते हैं टी से बिल्कुल तो ये जो टी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के मल्टीप्लाइड बाय सैचुरेटेड जो थिकनेस रहती है बिल्कुल एक्विफर की वो के बी तो ये है आपकी ट्रांसमिसिविटी सभी को बताया क्या रहता है एक तरह से, तो जैसे ये एक की, एक थी वाटर, है? तो आपके वाटर को ट्रांसमिट करने की जो कैपेसिटी वो अब यहां पे मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है हायर रहती है, है तो देखो सभी चीज इसी के अंदर की है ट्रांसमिसिविटी का मतलब होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है ये बी रहता है आपका सैचुरेटेड थिकनेस ऑफ एक्विफर तो देखो सैचुरेशन कंडीशन कब आती है जब अनक एक्विफर रहता है या कन्फाइंड एक्विफर रहता है अगर ये भी पता हो तो सफिशियंटली आप बता सकते हो कि ट्रांसमिसिविटी किसके लिए हायर रहेगी किसके लिए कम रहेगी अब बताइए। ऑब्वियसली, फॉर कन्फाइंड जहां पे हम जोन ऑफ एरिएशन एंड जोन ऑफ सैचुरेशन बोलते ना अनकनफाइड एंड कंफाइंड दैट सैचुरेटेड वाला पार्ट के लिए यू हैव द मोर ट्रांसमिसिविटी ठीक है कंफर्न एक्र इज अंसर देखते नेक्स्ट वन ओके okay. तो ये है आपका ड्रिलिंग वाला पार्ट ठीक है तो टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग वगैरह हमने नहीं लिए है तो इसको टाइम के साथ ले लेंगे क्योंकि अब पूछा है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के अंदर अगर इस तरह के, के अगर स्टेटमेंट्स या फिर क्वेश्चन अगर आते हैं तो उस टॉपिक को भी हम ले लेंगे तो ड्रिल की कितनी कितनी टाइप्स होते हैं ठीक है थीके, जिनका माइनिंग वगैरह बैकग्राउंड है अच्छे से ऑब्वियसली वो लोग इसका आंसर बहुत ईजिल दे सकते हैं क्योंकि वर्ड जो है वो भी थोड़ा सा मैटर करता है जैसे कि यहाँ पे बोला है कि रोटरी जो रिग है वो या फिर डिटेच मतलब के जो डाउन द होल ड्रिलिंग होती है उसको बोलते हैं हम डाउन द होल ड्रिलिंग इसको बोलते हैं डाउन डी रिग रिवर्स रोटरी या फिर प्रकर्शन रिग तो एक योर काइंड ऑफ और टाइप्स ऑफ योर ड्रिलिंग यहाँ पे पूछा है कि अगर रॉक हार्ड हो तो ड्रिलिंग ऑफ रॉक इन हार्ड रॉक इज कंडक्टेड तो किस चीज से आप बिल्कुल हार्ड रॉक के अंदर ड्रिलिंग करते हो सभी को पता है बाय योर रोटरी रिग से ही हम बिल्कुल जो है नॉर्मली करते हैं अब यहाँ पे प्रकर्शन भी है रिवर्स भी है अब हर एक की खुद के कंडीशन रहती है तो ऑब्वियसली सत्या ऑलरेडी डिड वर्क इन माइनिंग एरिया तो ऑब्वियसली हैज अ ग्रेट नॉलेज अबाउट दी ड्रिलिंग तो ये टाइप्स ऑफ ड्रिल्स या फिर ड्रिल के जो टाइप्स है वो हम जो पार्ट है सेपरेटली ले लेंगे आने वाले वीक्स में ठीक है तो यहाँ पे जो आंसर है वो है रोटरी रीग हर एक रीका और या पर हर एक ड्रिलिंग के टाइप की खुद की एक स्पेशलिटी रहती है आप अपने मन से कहीं भी फॉर मर्ड वाला एरिया आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया जो है वो ड्रिलिंग मशीन यूज करना पड़ता है वर्टिकल के लिए अलग इंक्लाइन के लिए हॉरिजोटल के लिए और पर्टिकुलर इवन हार्ड रॉक के लिए फॉर एवरी चीज के लिए आपको एक जो है पर्टिकुलर जो ड्रिलिंग आ, टाइप जो है वो या फिर डिफरेंट डिफरेंट ड्रिलिंग के जो वेज है बिल्कुल वो आपको यूज करने होते हैं देखते नेक्स्ट वन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेल इफ डिस्चार्ज ठीक है अब डिस्चार्ज मतलब क्या क्यू टू मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड ड्रॉ ड्रॉ डाउन डाउन मतलब क्या होता है ड्रॉ डाउन मतलब ठीक है इज मीटर अगर ऐसा है तो क्या तो हमको क्या बोला स्पेसिफिक कैपेसिटी देखो स्पेसिफिक कैपेसिटी किस तरह से निकालते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी हम निकालते हैं जो भी और किसका है ऑफ वेल तो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेल वी कैन कैलकुलेटेड बाय डिस्चार्ज ठीक है ऑफ वेल डिवाइडेड बाय ड्रॉडाउन तो डिस्चार्ज ऑफ वेल कितना है यहां पे दो मीटर क्यूब पर सेकेंड और आपको ड्रॉडाउन कितना दिया है दस मीटर और आपको फाइनली सब कुछ किसमें चाहिए लीटर पर सेकेंड पर मीटर ठीक है अब ऐसे कंडीशन में जब भी आपको पर्टिकुलर एरिया मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड का अगर आपको लीटर पर सेकंड पर मीटर करना हो तो एक तो पहले ही मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड कर दीजिए या फिर आखिरी कर दीजिए दोनों का जस्ट कन्वर्जन करना है यहां पे टू डिवाइडेड बाय टेन करना है तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट टू ठीक है लेकिन यहां पे पॉइंट टू कहीं पे भी नहीं है मैंने पहले कहा है कन्वर्जन करना है आपका जो है मीटर क्यूब पर सेकंड का लीटर यहाँ पे आपको हर एक चीज जो है वो लीटर पर दिया है लीटर पर सेकंड के अंदर तो इट इट विल बिकम योर डिवाइडेड बाय थाउजेंड या फिर आप इसको कर दीजिए मल्टीप्लाइड टू मल्टीप्लाइड नियरली दो आ जाएगा ठीक है टू डिजिट विलू हंड्रेड लीटर पर सेकंड पर मीटर तो ऑप्शन टू इज करेक्ट देखते नेक्स्ट वन डैम विल बी अनस्टेबल इफ डीप ऑफ रॉक बेड इज ऑब्वियसली अगर डीप आपका डैम है जिन्हें पता है वो डायरेक्टली चार्ट में लाइव चार्ट में बता दीजिए आंसर ठीक है डैम उसके पीछे में जो रिजर्वर है उसके प्रेशर की वजह से तब अनस्टेबल होता है जब नीचे के रॉक बेड का जो डायरेक्शन है या फिर डीप जो डायरेक्शन है वो अगर डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में मतलब कि इस डायरेक्शन में अगर बेड अगर डीप अगर हो तो ऑब्वियसली ऐसे कंडीशन में ये सब एरिया कोलैप्स हो सकता है तो है इट्स अ अनस्टेबल कंडीशन पे डाउनस्ट्रीम साइड जो बिल्कुल वो अगर इसको स्टेबल बनाना है तो कुछ ऐसे एरिया को सिलेक्ट कीजिए जहां पे जो बेड है वो आपके अपस्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर जो है वो डीप कंडीशन में हो मतलब कि अपोजिट साइड में ओके ऑप्शन टू इज करेक्ट रहा नेक्स्ट क्वेश्चन टनलिंग इज नॉट सुटेबल अलोंग द तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है दिया है आपको उनके अलोंग टनेलिंग करना इज नॉट गुड थिंग डीप डायरेक्शन ऑफ बेड स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ बेड पैरेलल टू बेडिंग प्लेन या फिर ऑब्लिक टू डीप डायरेक्शन तो इसमें से कौन से एरिया के अंदर कंडीशन के अंदर जो है वो आपकी टनलिंग सुटेबल नहीं हो सकती स्ट्राइक डायरेक्शन पैरल टू बेडिंग प्लेन ऑब्लिक टू डीप डायरेक्शन या फिर डीप डायरेक्शन ऑफ बेड टनेलिंग ठीक है देखो नॉर्मली जब हम टनेलिंग करते हैं तो टनलिंग का सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं स्ट्रक्चर के अलावा जो रॉक का टाइप होता है वो इसके अलावा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब कि क्या वहां पे फॉल्ट है क्या क्या वहां पे अनकनफर्मिटी है क्या वहां पे फोल्ड है क्या तो दैट स्ट्रक्चर ऑल्सो मैटर्स रॉक का टाइप ऑल्सो मैटर्स किसी भी रॉक के टाइप के अंदर आप टनलिंग नहीं कर सकते अपने मन से सेकेंड कंडीशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर एंड रॉक टाइप मीन्स लिथोलॉजी इट ऑल्सो मैटर्स अब इन सब के अलावा बिल्कुल मान लीजिए कि यहाँ पे पूछा है आपको कंप्लीटली टनलिंग इज नॉट सुटेबल अलोंग बिल्कुल तो ये है पैरल टू बेडिंग प्लेन ठीक है देखते नेक्स्ट वन पिच रॉक इज मोस्ट सुटेबल फॉर फाउंडेशन ऑफ डैम तो डैम के फाउंडेशन के लिए इनमें से कौन सा रॉक जो है वो बेस्ट सुटेबल रह, बिल्कुल रहेगा जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी ग्रेनाइट हाँ वन ऑफ द हाईअर कंप्रेसिव वाला रॉक है वेसिकुलर बेस और इसके अंदर ही वेसिकल्स है तो ऑब्वियसली तो इसको टूटना है सैंडस्टोन ये इसके अंदर तो पोर्स है तो अगर पोर्स है तो ऑब्वियसली रिजर्वर कंप्लीटली लीकेज हो जाएगा अब बचा ग्रेनाइट एंड कॉर्डजाइट तो कॉर्डजाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईली स्ट्रेंसाइल स्ट्रेस अगर बात या फिर हाईली कंप्रेसिव रॉक में से एक तो है इज रॉक कंप्लीटली ही है लेकिन ग्रेनाइट के अंदर कॉर्ड्स के साथ साथ फील्ड्स पार भी आ जाता है और यही चीज जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं कम कर देती है सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट कॉर्डजाइड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़े से ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेनाइट अगर आपके पास चार्ट हो तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा जहां पे अगर आपका कंपेरेटिवली यहाँ पे अगर बताया है कि अगर एरिया कॉर्ड वाला है तो हाँ ये बहुत ज्यादा जो है एक अच्छे से सुटेबल एरिया हो जाता है आपके फॉर्मेशन ऑफ टैन लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर अगर कॉडसाइड है ही नहीं चार में से तो हाँ उस कंडीशन में ग्रेनाइट जो है वो आप कह सकते हो देखते हैं नेक्स्ट वन रिजर्वर इज सक्सेसफुल इफ रॉक इज तो रिजर्वायर के अंदर कौन सी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए पहले तो बोला है कि फ्रैक्चर एंड एंड फ्रैक्चर एंड हार्ड या फिर हार्ड एंड मैसिव, ठीक है इनमें से कौन सी कंडीशन अगर रहती है तो आपका रिजर्वायर जो है डैम के पीछे वाला एरिया जहां पे आपका कंप्लीटली वाटर जो है वो रहेगा वो वाला ऑब्वियसली उसको हार्ड रहना चाहिए और उसको मैसिव रहना चाहिए तभी तो रिजर्व स्टेबल रहेगा अगर वो फ्रैक्चर्ड है तो इट विल कोलैप्स स्टार्ट कर देगा फ्रैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देगा तो फोर्थ इज करेक्ट बीएचयू यू के अंदर ये जो 2017 वाला है अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर अंदर नियरली एक पेपर को तीन पार्ट के अंदर ले लेंगे ताकि आपको भी थोड़ा सा लेंदी ना लगे और सभी के लिए ये सा रहे। ठीक है? तो अगर आपका जो आउटक्रॉप रॉक कट स्लोप है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कब रहेगा ड इज हाईली ज्वाइंटेड एंड स्टीपर डीप अगर किसी भी एरिया के अंदर रॉक बेड की डीप अगर स्टीप है तो वो काय का स्टेबल रहेगा उसको तो नीचे बिल्कुल चला जाना चाहिए गिर जाना चाहिए बिल्कुल तो स्टीपर डीप के अंदर बिल्कुल नहीं हाईली ज्वाइंटेड ज्वाइंट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में है एंड जेंटल डीप देखो ज्वाइंट्स ही होना ज्वाइंट का होना ये थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है तब स्टेबिलिटी नहीं रहती है मैस्यू हां मैस्यू तो चाहिए तभी तो स्टेबल रहेगी कोई चीज एंड जेंटल डीप और स्टीपर अब क्या रहेगा तीन या चार ऑब्वियसली थर्ड इट मस्ट बी मैस्यू एंड जेंटल डीप स्टीपर रहेगा तो ऑब्वियसली कोलैप्स होना ही होना है देखते नेक्स्ट वन द मूवमेंट ऑफ सॉइल इज तो यह आपका मास मूवमेंट का क्वेश्चन ठीक है क्रिप आप तब बोलते हो जब पर्टिकुलर एरिया के ऊपर से जो रीजन है बिल्कुल वहां से सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो नीचे जब जाते हैं डाउन थ्रू ठीक है हिल से नीचे तब उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है जस्ट जीरो पॉइंट थ्री सेंटीमीटर पर डे अगर डे की अगर मैं बात करू तो तो इसको यहां से नीचे आने के लिए अगर मान लो कि वीक्स लग जाए या फिर मंथ्स अगर लग जाए बहुत स्लो मूवमेंट अगर किसी पार्टिकल के हो अगर डाउनफॉल के कंडीशन में उसको हम वर्ड देते हैं क्रीप तो पूछा है कि सॉइल क्रीप ऑकर्स वेन द मूवमेंट ऑफ सॉइल इज रैपिड होना चाहिए क्या नहीं इट मस्ट बी स्लो बहुत धीरे 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 नीचे आना चाहिए स्लिक साइड आर अ टाइप ऑफ तो साइड नॉर्मली आपने के अंदर देखा होगा जहां पे ये जो फॉल्ट प्लेन है अलॉन्ग दैट फॉल्ट प्लेन दैट हैंगिंग वॉल जब नीचे जाती है तब यहाँ पे कुछ स्ट्राइशंस वगैरह गिरते हैं एक तरह से तो इसी पार्ट को इस फॉल्ट प्लेन के पार्ट को ही आगे जाके हमने नाम दे दिया है स्लिक साइड तो इट इज अ टाइप ऑफ योर फॉल्ट प्लेन अप फोल्ड और आर्चिस ऑफ लेयर्ड रॉक आर कॉल्ड इसे क्या कहना है सीधी सी बात है एंटी एंटी मतलब के अपोजिट फॉर्म मतलब के जस्ट शेप एंटी फॉर्म और एंटी क्लाइन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ठीक है जस्ट शेप का जिक्र किया एंटी फॉर्म लेकिन यंग टू ओल्डर अगर, अगर ऐसे किस तरह किसी भी अगर जिक्र किया है तो तब उसको एंटी क्लाइन कहना है यहां पे वन इज करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ जियो मैग्नेटिक रिवर्सल इज इम्प्रिंटेड ऑन पे इम्प्रिंट हुए जियो मैग्नेटिक रिवर्सल मैग्नेटिक रिवर्सल मतलब कि वही नॉर्थ पोल का साउथ होना साउथ का नॉर्थ होना तो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स इस तरह से आपने कब और कहां पे देखी रिफ्ट बेसि में देखी या ओरिजिनिक बिल्ड्स में या मिड ओशनिक रीच के अलाउंग या फिर ट्रेंचेस ऑब्वियसली मिड ओशनिक री जो रिज है उसके अला जो है हम इस तरीके की, की डार्क एंड फेंट जो है वो स्ट्रिप्स देखते हैं जहां पे हम नॉर्मल रिवर्स नॉर्मल रिवर्स जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स देखते हैं अगर आपको याद हो तो इन्हीं मैग्नेटिक स्ट्रिप को नॉर्मल रिवर्स नॉर्मल रिवर्स को बिल्कुल जो है वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट द्वारा भी जो है फाइंड आउट किया था और उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने बिल्कुल जो नाम दिए थे तो इन मिड ओशनिक रिज अगर आपको याद हो तो हाँ मिड ओशनिक रिज के अलॉन्ग इस तरह के स्ट्रिप्स हम देखते हैं जहां पे जो सेंट्रल पोर्शन एट द टिप ऑफ योर मिड ओशनिक रिज हमेशा हम नॉर्मल लेकिन टाइम के साथ जब ये मूव होता है तो ऑब्वियसली इसको रिवर्स जो है वो होना ही है ठीक है एक्चुअली वो रिवर्स नहीं होती वो नॉर्मल की नॉर्मल ही रहेगी ओके okay, तो ब्रुनहेस मटुयामा गॉस एंड गिलबर्ट ये वो लोग थे जिन्होंने इस तरह के स्ट्रिप मैग्नेटिक रिवर्सल पैटर्न जो उसको फाइंड आउट किया था और इसके ऊपर भी मोस्टली क्वेश्चन आता है कि भाई ब्रुनहेस ने किस तरीके की, की पोलरिटी फाइंड आउट की थी तो नॉर्मल मटुआमा ने कौन सी गॉस ने कौन सी एंड गिलबर्ट ने किस तरीके की, की जो है मैग्नेटिक पोलरिटी को फाइंड आउट किया था तो मिड रिज के पास उन्होंने कुछ इस तरह से नॉर्मल रिवर्स नॉर्मल रिवर्स तरीके की, की पोलरिटी को फाइंड आउट किया था कूलिंग जॉइंट्स कूलिंग जॉइंट्स कहां पे हमको देखने को मिलते हैं जनरली बेसॉल्ट के अंदर जिसको आप कॉल्यूमिनर जॉइंट बोलते हो आर इन क्रॉस सेक्शन तो अगर क्रॉस सेक्शन देखे तो हाँ हेक्सागोनल भी होते हैं वाई भी बिकॉज अगर कूलिंग जॉइंट्स अगर देखा होगा डिटेल कूलिंग जॉइंट के ऊपर बहुत कम आर्टिकल्स है या फिर बहुत कम डाटा जो है वो जियोलॉजी के अंदर अवेलेबल है इसका रीजन ये है कि हो सकता है कि आप जिस एरिया के अंदर गए होंगे या फिर फील्ड वर्क के लिए वहां पे जो आपने कूलिंग जॉइंट्स देखेंगे तो हो सकता है कि आप में से किसी एक ने हेक्सागोनल पैटर्न देखा होगा लेकिन अगर वही अगर आप हेक्सागोनल दूसरे किसी एरिया के अंदर अगर जाते हो तो हाँ सिर्फ हेक्सागोनल ही नहीं आपको पेंटागोनल पैटर्न से लेकर तो बिल्कुल थ्री फेस वाले कूलिंग ज्वाइंट भी डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर बिल्कुल देखने को मिलते हैं ये डिपेंड करता है कि कौन से एरिया के अंदर मोस्टली जो घाट सेक्शन वाला एरिया है जहां पे जो जो स्ट्रेचिंग एक तरह से रीजनल लोकल स्केल में होती है वहां पे इजिली फाइंड आउट मतलब मिल जाएगा आपको देखते हैं नेक्स्ट वन आइसोक्लाइनल फोल्ड आइसोमींस इक्वल क्लाइंस मेन इंक्लिनेशन इक्वल इंक्लिनेशन मतलब इक्वल डिग्री के एंगल पे अगर कोई फोल्ड है उनकी इंटर एंगल कितना रहना चाहिए इट्स मज भी इक्वल तो ऑब्वियसली ऑब्वियन नोज जीरो से लेकर तक दस डिग्री के बीच में अगर इंटरलिम्ब एंगल हो तो उसी को हम बोलते हैं आइसोक्लाइनल फोल्ड फोल्ड विथ स्ट्रेट लिंब स्ट्रेट है एंड शार्प हिंज और हिंज शार्प है इस तरीके के फोल्ड को हमने क्या नाम देते दिस वन इज योर शेवरॉन फोल्ड ऑन ऑफ एक्सटेंड इन द डायरेक्शन ऑफ तो ट्रू डीप के डायरेक्शन में हमेशा वो क्या एक्सटेंड है? होते हैं ठीक है स्ट्राइक डायरेक्शन के अलोंग वो एक्सटेंड होंगे या फिर एपरेंट डीप या फिर हॉरिजॉन्टल हमेशा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सटेंशन नहीं होगा अब ओवियस ऑबियसली जब एक्सटेंशन की बात आती है तो ये लैटरल एक्सटेंशन का बात चल रहा है बिल्कुल और पूछा है कि ऑलवेज हमेशा ही नॉट मतलब कोई पर्टिकुलर कंडीशन भी बताई है जब लैटरल हमेशा एक्सटेंशन होता है तो ये एक्सटेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन ही आपको देखने को मिलेगा अ ब्रेक इन सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड अनकन्फर्मिटी क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली कंफर्मेशन कोई लेयर या फिर कंफर्मेबल लेबर लेयर जो है वो फॉर्म हुई ही नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कॉन्टिनेंटल ड्रिप थेरी इन्होंने बताई हैरी हेस अल्फ्रेड वेग्नर विंसन मैथ्यू या फिर टूजो विल्सन एवरी वन नोज अल्फ्रेड वेगनर हैरी हेस द्वारा फर्स्ट टाइम हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में हैरी हेस से सुना था लिथोस्पेरिक प्लेट आर ऑफ नाम में लिथो है इट्स अ मैकेनिकल लेर वाली मैकेनिकल लेयर कौन से कंपोजिशन लेयर से बनी है सिर्फ क्रस्ट सिर्फ मेंटल या फिर क्रस्ट एंड अपर मेंटल या फिर ओशानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोथ आर योर लिथोस्पियर दोनों को लिथोस्पेरी बोलते हैं वन टू या फिर थ्री ऑब्वियस अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो थ्री है बट यहाँ पे सिर्फ अपर मेंटल नहीं बोल सकते रीजन द डेप्थ ऑफ अपर मेंटल इज अप टू अपू दी एंड अगर हम बात करें दि, पे दिथोस्पियर इज कमोज ऑफ तो लिथोस्पियर फोर फोर्टी तो है ही नहीं है लिथोस्पियर इज जस्ट अप टू द योर क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल वाई जीरो से जब आप स्टार्ट करोगे तो अप टू द पहले तो क्रस्ट पे आ जाओ ये रहा क्रस्ट उस क्रस्ट को आपने डिवाइड कर दिया कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक के अंदर

इसके नीचे जो आपका है विच इज योर अपर यटल बट क्या अपर मेंटल का डेप्थ कहां तक है फ्रॉम दैट थर्टी फाइव किलोमीटर से स्टार्ट जो होता है अपर मेंटल अप टू द फोर फोर्टी 440 से लेकर तक 660 किलोमीटर दीज आर फोर फोर्टी अनकन्फर्मिटी एंड सिक्सो नोन एज ए अनकनफर्मिटी बिटवीन दैट टू वी हैव दी ट्रांजिशन जोन कौन ट्रांजिट करता है ऑलिविन ऑलिविन खुद को ट्रांजिट करके किस में बनाता है पररोस गाइड के अंदर ऑलिविन खुद को पहले ट्रांजिट करता है एक हायर डेंसर स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम क्या बोलते हैं बीटा स्पिनल बीटा स्पिनल खुद को और ट्रांसफर कर देता है किसके अंदर ट्रांजिट कर देता है बिल्कुल यहाँ पे बीटा स्पिनल बीटा स्पिनल बिल्कुल रिंगवू डाइट के अंदर रिंगवु डाइट टाइम के साथ खुद को और बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता है फाइनली बन जाता है परोस गाइड ये तो ट्रांजिशन जोन लेकिन आपका अपर मेंटल यहां तक नहीं है व्हाई बिकॉज़ यहां पे तो एस्थेनोस्फीयर भी होना चाहिए ए मींस विदाउट स्टेनोस मींस स्ट्रेंथ एंड स्फीयर इज अन कर्वेलेयर तो एक ऐसी कर्वेलेयर जो प्लास्टिक नेचर की जेली नेचर की, ना तो ये सॉलिड है ना तो ये लिक्विड है तो फिर लिथोस्फीयर कहां तक बोलना है तो देखो अपर मेंटल का भी अपर पोर्शन लेकिन अपर मतलब कहां तक कितने तक तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अकॉर्डिंग एसोस्टेसी में भी पड़ा है रूट कहां तक जाता है रूट अप टू द दंड्रेड किलोमीटर तक जाता है उससे नीचे नहीं रूट इज अ सॉलिड पार्ट ऑफ अड माउंटेन ठीक है सॉलिड है लिक्विड नहीं है प्लास्टिक नहीं है एसोनियर नहीं है कुछ नहीं है तो ऐसे कंडीशन में दैट सॉलिड पार्ट इज रिचेस अप टू द मेंंड्रेड किलोमीटर सो दैट कंप्लीट क्रस्ट एंड अप टू द हंड्रेड किलोमीटर ये कितना है चार सो चालीस चार सो चालीस और ये हंड्रेड मतलब क्या होता है द क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल जो है उसको कंबाइनली हम बोल सकते हैं लिथोस्पियर इट्स लिथ इट्स रॉक इट्स हार्ड नीचे अप अपटू द कंप्लीट अगर बोलोगे तो उसके अंदर एस्थोनोस्पियर भी आता है मैकेनिकल लेयर्स भी आती है ऑब्वियसली यहां पे ऑप्शन थ्री जो है वो करेक्ट है बट फिर भी याद रखना क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल नॉट अपर मेंटल

ओशन के जो सर्कुलेशन स्टडी है उसी के लिए भी हमको विजिबल स्पेक्ट्रम चाहिए तो रिमोट सेंसिंग के अंदर विजिबल स्पेक्ट्रम चाहिए चाहिए ही है लेकिन उन्होंने बोला नॉट माइक्रोवेव रेडिएशन तो हाँ ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या फिर रेडिएशन का एक पार्ट है माइक्रोवेव कब यूज किया किस लिए यूज किया जब भी मान लीजिए फॉग हो या फिर क्लाउड हो या फिर अगर हेवी रेन हो जब भी माइक्रोवेव्स तब आप यूज करते हो जब आपके एरिया के अंदर बहुत ज्यादा क्लाउडी एरिया हो बहुत ज्यादा हेवी रेन वाला एरिया हो टाइम हो ऐसे कंडीशन में सिर्फ माइक्रोवेव ही है जो इनको फॉक को क्लाउड को या फिर हेवी रेन्स को पेनिट्रेट कर कर सकते हैं और तब जाके हम रिमोट सेंसिंग के अंदर इसी वजह से इसके इस स्पेशलिटी की वजह से माइक्रोवेव को यूज करते हैं रेडियो वेव्स को अगर हम देखें तो टेरेन मैपिंग के लिए या फिर हरिन हरिकेन जो ट्रैकिंग होती है तो हरिकेन के ट्रैकिंग के लिए भी हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस का थोड़ा सा गड़बड़ है ये इसलिए मैं बता देता हूं कि के लोगों का आंसर रहेगा जो हाँ, यहाँ अभी फिलहाल करेक्ट है लेकिन रिमोट सेंसिंग में कुछ पार्ट आता है जहां पे ओजोन की रिलेटेड भी थोड़ा सा स्टडी किया जा रहा है अभी स्टार्टिंग में और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का हेल्प हम तब भी लेते हैं रिमोट सेंसिंग के अंदर जब आपको ओजोन की रिलेटेड कुछ डाटा चाहिए तब लेकिन अगर अर्थ का अगर हम देखें तो हाँ मोस्टली अर्थ के ऊपर जितने भी फीचर्स है उसके स्टडी के लिए हमको रिमोट सेंसिंग के अंदर यूवी रेस का हेल्प नहीं चाहिए बिल्कुल तो यहां पे जो ऑप्शन उन्होंने बोला कि नॉट तो ऐसे में जो करेक्ट आंसर है इस वन अल्ट्रावायलेट रेज ओके अगेन दूसरा एक क्वेश्चन है जो रिमोट सेंसिंग के ऊपर ही बिल्कुल अभी पूछा गया है तो अगर रिमोट सेंसिंग के ऊपर अगर मल्टीपल है तो पहले तो क्वेश्चन देख लेंगे जितने हैं उसके बेस पे जितना भी एरिया फिर इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले तो कवर कर लेंगे देखो पूछा है कि कलर ऑफ फ्रेश वेजिटेशन वेजिटेशन कैसा रहता है ग्रीन तो क्योंकि कलर पूछा है तो कलर ऑफ फ्रेश वेजिटेशन इन नॉर्मल एफसीसी एफसीसी क्या होता है एफसीसी रहता है फॉल्स कलर कंपोजिट फॉल्स कलर कलेक्शन नहीं रहता है बहुत बार जो फाइनल वाला सी है, उसके जो फुल फॉर्म भी पूछा है इट्स योर फॉल्स कलर कंपोजिट ये क्या रहता है ये एक तरीके का आर्टिफिशियल वे है जहां पे आप इमेज के कलर जनरेट करते हो आर्टिफिशियली मतलब हम करते हैं आपने कोई एक इमेज निकाली और इस इमेज से आप बिल्कुल एफसी उसको अप्लाई करते हो अब इसमें होता क्या है जब आप से अप्लाई करते हो तो ओरिजिनल कलर के जगह पे दूसरे कलर को पुट किया जाता है अब यहाँ पे एफसीसी के अंदर हम तीन कलर के बारे में ज्यादा देखते हैं एक तो ब्लू कलर ब्लू कलर आपको कहा, कहा देखेगा एक तो स्काई के अंदर नहीं तो फिर वाटर बॉडीज के अंदर इसके अलावा ग्रीन कलर तो ग्रीन कलर आपको ऑब्वियसली वेजिटेशन या फिर जो आपका फॉरेस्ट एरिया वो और एक रेड कलर बिल्कुल जो फिर शेड्स वगैरह है अब ये जो ब्लू कलर है ग्रीन कलर है रेड कलर है इनको क्या होता है एफसीसी मतलब कि फॉल्स कलर कंपोजिट के अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं एक तरह से अगर मैं बात करूं या फिर इनके जगह पे हम कोई दूसरे जो वेवलेंथ है उनको असाइन करते हैं वेवलेंथ मतलब के हर एक कलर की खुद की वेवलेंथ होती है तो ब्लू कलर के लिए एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को हम असाइन करते हैं एक तरह से अगर शॉर्ट में बोलू तो ब्लू कलर के लिए हम ग्रीन कलर को यूज करते हैं जो चीज ब्लू कलर के अंदर दिख रही है वो एफसीसी अप्लाई करने के बाद या फिर एफसीसी इमेज देख रहे आपको हरी दिखना स्टार्ट हो जाएगी जो चीज ग्रीन कलर की होती है वो आपको रेड कलर की दिखना चालू हो जाएगी और रेड कलर वाली जो चीज है उनको जो हम वेवलेंथ असाइन करते हैं वो रहते हैं आपकी नियर इंफ्रारेड वाली वेवलेंथ यहां पे पूछा है कि कलर ऑफ फ्रेश वेजिटेशन वेजिटेशन का नॉर्मली आंखों से देखे तो कलर कौन सा रहता है ग्रीन लेकिन इन नॉर्मल एफसीसी इमेज है एफसीसी के अंदर आपका ग्रीन कलर क्या बन जाएगा रेड तो ऑप्शन यहां पे क्या है रेड तो ये जो है अब देखो इसके लिए भी एक पी है अगर आपको चाहिए ये भी पीडीएफ ड्राइव के अंदर जो है क्लास नोट्स के अंदर रिमोट सेंसिंग के अंदर पहले से अवेलेबल है छोटा सा पीडीएफ है जैसे एक ट्वेंटी पेज का उसके अंदर मोस्टली जितने भी इस तरह की की के क्वेश्चन हम रिमोट सेंसिंग के ऊपर दिख रहे हैं वो आपके डाउट जो है इवन इस तरह के टर्मोलॉजी वो क्लियर हो जाएंगे तो वहां से ड्राइव से कलेक्ट कर लेना ठीक है तो यहां पे ऑप्शन जो थ्री रेड इज करेक्ट देखते नेक्स्ट वन वॉट पावर द हाइड्रोलॉजिक साइकिल देखो हाइड्रोजियो नहीं है सिर्फ हाइड्रोलॉजिक साइकिल है और इसका जिक्र हमने जब हाइड्रोलॉजिक साइकिल का या फिर बात की थी हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट करते वक्त तब भी की थी ये स्टार्टिंग होती कहां से एग्जैक्टली मेंटल कन्वेक्शन से रेडियो एक्टिव डीके से सोलर एनर्जी से या फिर विंड से कोई भी नॉर्मली जो हाइड्रोलॉजिक आपने साइकिल देखी होंगी तो उस हाइड्रोलॉजिक साइकिल के अंदर exactly एग्जैक्टली ऐसी कौन सी चीज है जहां से ये सब चीजें स्टार्ट होती है पानी कंडेंसेशन होना है इवेपोरेशन होना है ठीक है बहुत सारी चीजें प्रेसिपिटेशन होना है पैरामीटर्स अब इसके अंदर अगर हम देखें देखो हाइड्रो वाटर वाटर का विंड से कोई लेना देना नहीं तो फोर तो है ही नहीं बचा सोलर एनर्जी स्टार्टिंग होती है आपके ओशन के वाटर का इवेपोरेशन होने से लेकिन इवेपोरेशन सिर्फ ओशन का नहीं होता रिवर लेक्स जो है वहां पे ये इवेपोरेशन जब होगा मतलब कि जब सोलर एनर्जी इज योर मेन सोर्स जो है वो जो हाइड्रोलॉजिक थो पावर को सोर्स करती है ठीक है या फिर हाइड्रोलॉजिक साइकिल को जो पावर देती है मेंटल कन्वेक्शन का पानी से कोई लेना देना नहीं रेडियो डीके का कोई भी इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से कोई लेना देना नहीं हाँ अर्थ की इंटरनल हीट की अगर हम बात करें तो हाँ तब डीके आ सकता था लेकिन हाइड्रोलॉजिक साइकिल जब आएगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है हवा का उससे कोई लेना देना नहीं है ना इससे ना इससे इट्स योर सोलर एनर्जी देखते नेक्स्ट वन द ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर कौन सा है ग्राउंड के नीचे सब सरफेस कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रीम स्ट्रीम कहा ऊपर है वेन द ग्राउंड वाटर कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्ट्रीम मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखा देता हूं जब ग्राउंड वाटर स्ट्रीम के अंदर जाएगी या फिर कॉन्ट्रीब्यूट करेगी तब उसे कम क्या कहते हैं तब उसको ग्राउंड वाटर क्योंकि ये ग्राउंड वाटर है तो ऐसे कंडीशन में वॉट एवर द इनिशियल लाइन विल क्रिएट वी कॉल्ड इट एज एन बेस फ्लो और बेस लाइन ज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विदडी ऑफ वॉटर बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट मिनरोलॉजी के अंदर नहीं है जियो फिजिक्स के अंदर नहीं है हाइड्रोमेट्रोलॉजी और हाइड्रोजोलॉजी सभी को पता है हाइड्रोजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं ठीक है तो फोर्थ इज करेक्ट विच रॉक टाइप वुड यू मेक द बेस्ट एक्विफर एक्विफर के लिए कंडीशन क्या है इट मस्ट बी दैट फॉर्मेशन मस्ट बी पोरस एंड परमिएबल पोरस भी चाहिए परमिएबल भी चाहिए अब ऐसा कौन रहेगा शेल हर्डस्टोन सैंडस्टोन या तो ऑब्वियसली सैंडस्टोन सब सर्फेस जोन इन विच ऑल रॉक ओपनिंग आर फिल्ड विथ वॉटर इज कॉल्ड सब सरफेस जोन जहां पर कंप्लीटली ओपनिंग जो है मतलब पोर्स है वो कंप्लीटली आपके वॉटर से फिल हो चुके हैं पार्शली नहीं सैचुरेटेड जोन वॉटर टेबल अनसेटेड जोन या फिर एक्वी क्लिव ऑब्वियसली इट्स सब सरफेस जोन कहा है तो इट्स यूर सैचुरेटेड जोन परमेबिलिटी किसे बोलेंगे द परसेंटेज ऑफ रॉक वॉल्यूम रॉक के वॉल्यूम को परमेबिलिटी बोलना है या फिर कैपेसिटी ऑफ रॉक टू ट्रांसमिट द फ्लुड परसेंटेज ऑफ पोर इन द रॉक द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू द दिड ऑफ द एक्वीफर ठीक है किस चीज को हम बोलेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर हमें पता है द कैपेसिटी ऑफ रॉक टू ट्रांसमिट द फ्लूड इज कॉल्ड अ परमेबिलिटी लेकिन दैट कैपेसिटी दैट डिस्चार्ज दैट क्यू ऑफ वाटर थ्रू द वि जब हम बोलते हैं ऑब्वियसली तब वो ट्रांसमिसिविटी आ जाता है बिल्कुल ठीक है यहां पे टू इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो आप देखो यहां पे शांत से पढ़ना कुछ स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग ह्यूमन एक्टिविटी एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज फॉल्स ठीक है तो चार स्टेटमेंट है ध्यान से पढ़ो और क्योंकि यहां पे ह्यूमन एक्टिविटी बोलिए तो कंपलसर नहीं कि आपको जस्ट हाइड्रोजियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना चाहिए तभी इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे आप अगर नॉर्मली स्टेटमेंट्स भी अगर समझ पाते हो तो भी इसका आंसर आप दे पाओगे वन टू थ्री या फिर फोर चलिए एक टाइमर लगा देते देखते कौन फर्स्ट जो है स्टेटमेंट्स को पढ़ के अच्छे से बता पाएगा पहला स्टेटमेंट है कि बिल्डिंग रोड्स एंड पार्किंग लॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन एंड एंडेशन तो क्या अगर रोड अगर बना रहे हो पार्किंग लॉट बना रहे हो तो इनफिल्ट्रेशन या फिर परकोलेशन जिसको हम बोलेंगे तो क्या ये इंक्रीज हो रहा है बोला है कि इंक्रीज अगर आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो रोड के कंस्ट्रक्शन का इनफिल्ट्रेशन या फिर परकुलेशन पानी नीचे जाएगा क्या ठीक है या फिर आप अगर आप पार्किंग लॉट अगर बना रहे हो तो पार्किंग लॉट बनाने से जो है वो इनफिल्ट्रेशन फिर परकुलेशन इंक्रीज हो रहा है क्या ठीक है और यहाँ पे उन्होंने बोल चाहे कि फॉल्स कौन सा है नहीं 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 इंक्रीज हो रहा इट इज योर डिक्रीज हो रहा है बिल्कुल ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल एंड लोकल वार्मिंग कैन चेंज द बैलेंस ऑफ वाटर इन डिफरेंट रिजर्वर बिल्कुल बराबर है ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू मेल्टिंग ऑफ फ्रोजन वाटर ये भी एक तरह से बिल्कुल बराबर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू ऑगमेंट द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस ऑब्वियसली तो यहाँ पे बनता है स्टेटमेंट वन इज फॉल्स देखते नेक्स्ट वन पर्च एक्विफर जो क्ले के लेंस से बनता है ऑकर्स इन जोन ऑफ तो हमारे पास दो तरीके के जोन होते हैं एक होता है जोन ऑफ एरिएशन और एक होता है जोन ऑफ सैचुरेशन तो जोन ऑफ सैचुरेशन के अंदर या फिर जोन ऑफ एरिएशन के अंदर या फिर सैचुरेशन एरिएशन के अंदर या फिर सरफेस सैंडी डिपोजिट के अंदर ये जो पर्च एक्विफर है या फिर पर्च वाटर टेबल की अगर हम बात करें तो ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा तो सीधी से इट्स अवेलेबल इन जोन ऑफ एरिएशन ओनली तो टू इज करेक्ट वॉटर लॉगिंग इन एन एरिया ऑकर वेन वॉटर टेबल यहां पे वाटर टेबल का जिक्र किया है तो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वाटर टेबल कैसा रहना चाहिए तब जाके आप वाटर लॉगिंग कर पाओगे अब देखो वाटर लॉगिंग होता क्या है हम एक तरह से बोल सकते हैं कि वाटर लॉगिंग एक तरह से जो सैचुरेशन सॉइल होती है ठीक है विथ वाटर उसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग कैसे होता है जब आपका वाटर टेबल जो है वो राइज करने लगता है अप टू द एक्सटेंड मतलब क्या अप टू द एक पर्टिकुलर हाइट जहां पे सॉइल के जो पोर्स है या फिर अगर मैं दूसरे तरह से बोलू क्रॉप रूट जोन जहां पे रहता है वहां तक ये वाटर टेबल जब आपका पानी का राइस करेगा तब तक की कंडीशन को हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग तो दैट वाटर लॉगिंग इन एन एरिया ऑकअर वेन कब जब वाटर टेबल राइजेस वेरी क्लोज टू द सर्फेस ड्रॉप डाउन टू डीप तो ड्रॉप डाउन की बात नहीं करें हम राइज की बात कर रहे हैं वाटर टेबल आपका ऊपर जाना चाहिए कब तक जब तक आपकी ऊपर की सॉइल पानी से सैचुरेटेड नहीं हो जाती है सॉइल वाला पार्ट बोल दीजिए या फिर आपका जो क्रॉप रूट जोन वाला एरिया रहता है ना वो वो वाला बोल दीजिए तो ड्रॉप वाली कंडीशन नहीं चाहिए ऑकर बिलो क्ले लेयर यहाँ पे क्ले लेयर वेलर का कोई लेना देना नहीं है ऑकर्स बिटवीन टेन टू हंड्रेड मीटर अब रेंज की अगर हम बात करें तो ये इतनी भी ज्यादा रेंज नहीं रहती है तो बचा एक ऑप्शन बिल्कुल यहां पे वो है कि राइज इज वेरी क्लोज टू द सर्फेस वाई बिकॉज यूर क्रॉप रूट जोन जो रहता है वो सरफेस के नजदीक रहता है तो वाटर टेबल का ऊपर राइज होना और ऊपर राइज होते होते सॉइल को सैचुरेट कर देना बिल्कुल इसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग मेजर सिमटम्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज फिर से चार स्टेटमेंट है और मैं फिर से कहता हूं इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई स्पेसिफिकली जियोलॉजिकली नॉलेज ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल एक बार जस्ट स्टेटमेंट पढ़िए एक बार फिर से सबके लिए टाइमर लगा देते हैं और देखते कौन फर्स्ट आंसर देते हैं ऑब्वियसली करेक्ट इट्स डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वॉटर टेबल मेजर तो सिम्टम्स क्या है डेजर्टिफिकेशन की रॉक वेदरिंग अब किस तरह की वेदरिंग फिजिकल या केमिकल ये नहीं कहा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज ठीक है एंड साइकल ऑफ तो बहुत लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और एक तरीके मतलब की साइकिल ऑफ साइकिल ऑफ मतलब किसकी साइकिल है कार्बन साइकिल या फिर नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस की या फिर सल्फर की कौन सी साइकिल जो है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रॉक वेदरिंग को ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक चेंज एंड साइकिल ऑफ कार्बन इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूअर रॉक वेदरिंग तो वन इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन तो चलिए चार स्टेटमेंट है चारों के चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार बिल्कुल बर्निंग ऑफ कोल एंड गैसोलिन डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट लीकेज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट और चेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन तो ऑब्वियसली फर्स्ट इज राइट अब देखो बर्निंग ऑफ कोल एंड गैसोलिन कब रहता है और इसका डायरेक्टली रिलेशन एसिड रेन के साथ कैसा है बिल्कुल सीधी सी बात है जब हम एसिड रेन का बात करते हैं एसिड रेन की तब हम दो हजार गैस की बात करते हैं कौन से कौन से एक नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा कौन सा है सल्फर डाइऑक्साइड अब नाइट्रोजन ऑक्साइड किस तरह से फॉर्म होता है पहले ये समझिए जब भी आप पेट्रोल को या फिर ऑयल को बर्न करते हो ना बर्न करते मतलब के हाथ से नहीं जलाना है इंजन के या फिर आपके व्हीकल के इंजन से जो भी आपके पेट्रोल या फिर ऑयल बर्न होके एज एन एटमोस्फेयर के अंदर जा रहे हैं वही कहीं ना कहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को फर्स्ट टाइम जो है मतलब कि आपके व्हीकल या फिर एंथल पे एटमोस्फेयर के अंदर एड कर रहा है यहाँ पे पेट्रोलियम और ऑयल को बर्न करने के बाद इन व्हीकल ठीक है व्हीकल के इंजन के अंदर लेकिन वही पे सल्फर डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो जहां पे पावर प्लांट्स रहते हैं ना तो पावर प्लांट के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करते हैं तो कोल के बर्निंग के वजह से आपके सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं और इस तरह से बर्निंग ऑफ कोल एंड गैसोलिन का डायरेक्टली रिलेशन रहता है आपके एसिड रेन के साथ कहीं ना कहीं तो ऑप्शन वन इज करेक्ट इन अल्ट्रामैफिक रॉक आर फॉर्म फॉर्मेशन या फिर और के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर हमने क्रोमाइट फर्स्ट टाइम देखा होगा तो हमने देखा था मैगमेटिक प्रोसेस के अंदर लेकिन मैगमेटिक के अंदर भी दो तरीके प्रोसेस आते हैं अर्ली मैगमेटिक एंड लेट मैगमेटिक तो उसके अंदर हम जब अर्ली मैग्मेटिक सेग्रीगेशन डिपॉजिट देखते हैं तो इन दैट अर्ली मैगमेटिक सेग्रीगेशन और डिपॉजिट्स के अंदर हम फर्स्ट टाइम देखते हैं यूर क्रोमाइट डिपॉजिट ठीक है तो देखना क्योंकि अर्ली मैग्मैटिक के अंदर भी एक डिसिमिनेटर है एक सेग्रीगेटेड तो अगर बहुत ज्यादा डीपली अगर पूछते हैं तो सेग्रीगेटेड डिपॉजिट ठीक है तो क्रोमाइट इज एज एन सेग्रीगेशन डिपॉजिट प्रोसेस देगा ना इज नोन फॉर देखो देगाना एरिया है आपका राजस्थान के अंदर ठीक है और ये किस लिए फेमस है देखो यहाँ पे है कि शिलाइट है वोल्फ्रामाइट है मैग्नेटाइट है गैलेना है सभी को पता है गैलेना जोन फॉर योर लीड मैग्नेटाइट है अब देखो शिलाइट एंड वोल्फ्रामाइट दोनों के दोनों है टंगस्टन की ओर ठीक है उनमें से राजस्थान के अंदर जो देगाना वाला एरिया है वहां पे आपको जो मोस्टली मिलेगा वो आपको शिलाइटिट देखने को मिलेंगे क्या है है टंगस्टन का जिसको आप CISO4 बोलते हो ना वो वाला लेकिन फिर वोल्फ्रामेट भी तो टंगस्टन का ही ओवर है तो फिर ये देगा के अंदर नहीं क्या नहीं तो जनरली आपको ये दूसरी एरिया के अंदर इजी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है या फिर अगर मैं बात करूं बाकी एरिया की सॉरी यहाँ पे आई थिंक देर इज समथिंग रिवर्स ओके 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 देगा के अंदर वी हैव हाँ है Not Galena. नहीं गैलेना है और लीड का देगाना से कोई लेना देना नहीं है आ, जो राजस्थान के अंदर जो वाला एरिया है, वहाँ पे हमको मिलता है. जो है आपका टंगस टे जो कॉर्ड और पेगमेटाइट आपको देखने को मिलती है उसी कॉर्ड एंड पेगमेटाइट के वेन्स के अंदर आपको वोट देखने को मिलेगा यहां पर ये जो वोलफरमेट फॉर्म वो हुआ है यह हुआ आपके हाइड्रोथर्मोल जो इंडियोजेनिक डिपोजिट है उसके अंदर हाइड्रोजेनिक एंडोजेनिक डिपॉजिट जैसे आ जाएगा याद रखना आपको कहीं ना कहीं स्टॉक वर्क याद रखना है वही स्टॉक वर्क जो मलानी के के अंदर के अंदर भी आपने कहीं ना कहीं देखे हो या फिर पड़े हो गए शिलाइट का जो है सॉरी मैं शिलाइट का थोड़ा भूल गया था शिलाइट का जो है हम कर्नाटक के अंदर देखते हैं तो कर्नाटक के अंदर शिलाइट भी टंगस्टन का ओर है लेकिन ये जो शिलाइट है हम टंगस्टन का ओर हमको हम कहावे में तो कर्नाटका के अंदर जो कोलारैन हट्टी गोल्ड माइन है उस गोल्ड माइन के अंदर भी हमको शिलाइट के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, बट इट्स इन कर्नाटका दैट वोल्फ्रामाइड वाला डिपॉजिट्स इट्स इन देगा मास ऑफ रॉक ट्रैवर्स्ड बाय नेटवर्क स्मॉल ओवर बियरिंग वेनलेट इज कॉल्ड तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला एक कंप्लीटली मास ऑफ रॉक है विच इज यटवर्क ऑफ ओवर बियरिंग वेनलेट्स तो इसको हम क्या बोलते हैं एवरीवन नोस इट्स अ स्टॉक वर्क और आज का लास्ट क्वेश्चन किरुना टाइप मैग्नेटाइट डिपोजिट इट्स टिपिकली कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ देखो किरुना जो कि आपका स्वीडन एरिया का एक पार्ट है ठीक है अब स्वीडन के अंदर किरुना इज अ रीजन जहां पे आपको जो है वो जाना जाता है आयरन और डिस्ट्रिक्ट के नाम से ठीक है ये यूरोप के अंदर है अब यहां पर आपके जो आयरन और डिस्ट्रिक्ट के नाम से जो जाना जाता है कंप्लीटली एरिया ये यहां पे हमको मिलता है आयरन ऑक्साइड एपेटाइट मेनली अब अगर, अगर अगर आपको पता हो आयरन ऑक्साइड इज अ मेन कंप्लीटली बिल्कुल ठीक है अगर आपको पता हो जैसे मोस्किल ऑफ हार्डनेस के अंदर बिल्कुल आपका टाल ठीक है ना जिप्सम कैल्साइट फ्लोराइड एपेटाइट व्हाट इज टाल्कइट क्या ये आपका सिलिकेट है कार्बोनेट है इट्स अ फॉस्फेट

टाइप डिपॉजिट डिपॉजिट एज़ योर आयरन ऑक्साइड बिल्कुल इसी को एक अलग नाम से जाना जाता है तो यहां पे आयरन के साथ साथ एफ के साथ साथ क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है बी एच यू ट्वेंटी और कल इसका पार्ट टू हम स्टार्ट करेंगे ठीक है तो उसके लिए रेडी रहना नोटिफिकेशन आपके कम्युनिटी टैब के अंदर आ जाएंगे ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको एक लाइक कर दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ठीक है